नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी रसोई में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि काजू कतली बहुत स्वादिष्ट बनती है, उसको किस तरह से बनाएं जो कि आसानी से घर पर और जल्दी से बन जाए। तो देखते रहिए मेरा वीडियो। पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूं। दूध, काजू और चीनी, ये तीन चीज किस क्वांटिटी में लेनी है वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। कैसे बनाना है वो मैं आपको बीच में बताता हूं, देखते रहिए मेरा वीडियो। सबसे पहले काजू, शुगर और दूध इकट्ठा कर लीजिए। सबसे पहले गैस बर्नर ऑन कर लीजिए और एक छोटे से भगोने में करीब 200 ml पानी, और इसको थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। बॉईल होने तक गर्म हो दीजिए इसको। इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। मैं बीच बीच में कंटेंट्स और उनकी क्वांटिटी बताता जाऊंगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 200 से 250 ml पानी डालिए और बॉईल होने दीजिए। पानी खौलने लगा है तो इसमें 125 ग्राम चीनी डाल दीजिए और पकने दीजिए। बीच बीच में चलाइए ताकि इसकी चाशनी, दो या तीन तार की चाशनी बन जाए। और जब तक इसकी चाशनी बनेगी तब तक हम 250 ग्राम काजू, 250 ग्राम काजू इसको पीस लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए मिक्सी में और इसका पाउडर बना लीजिए। इस बीच में काजू मैंने पीस लिया ग्राइंडर में, ये देखिए मैंने पीस लिया है। इसको पीसते समय एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ पल्स स्पीड पर ही पीसिएगा, 1, 2 या 3 स्पीड पर मत पीसिएगा, वरना इसमें से घी निकल आएगा और ये चिपकने लगेगा। पल्स पर पीसिए और जितना बारीक हो सके उतना पीसिए। अभी चाशनी देखिए एक तार की बन चुकी है, इसको थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि दो तार की हो जाए, उसके बाद इसमें पीसा हुआ काजू मिक्स कर देंगे। 5 से 7 मिनट में हमारी चाशनी बनके तैयार। अब इसी चाशनी में हम पीसा हुआ काजू का पाउडर डाल देंगे और उसको लगातार चलाइएगा ताकि इसमें कोई गांठ ना पड़ पाए। इस तरह से चलाते रहिए। और अब इसको लगातार चलाइए जब तक कि ये पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। और इसके साथ ही इसमें करीब 150 ml दूध वो भी डाल दीजिए। ये दूध डाल दिया और अब इसको लगातार गर्म होने दीजिए और इस पेस्ट को गाढ़ा होने तक चलाते रहिए। ये गाढ़ा हो चुका है तो अब आप गैस बर्नर ऑफ कर सकते हैं। काफी गाढ़ा हो गया, थिक हो गया, गैस बर्नर ऑफ कर दीजिए और इसको ठंडा होने दीजिए। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए। सारा पेस्ट की तरह प्लेट में आ जाएगा। जब तक ये ठंडा होगा तब तक एक दूसरी प्लेट में हम थोड़ा सा घी लगा के ग्रीसिंग कर लेते हैं। अब अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं या एक
पॉलिथीन आती है मोटी सी, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास समय ना तो पॉलिथीन है और ना ही बटर पेपर, तो मैं घी से ग्रीसिंग कर लेता हूँ एक प्लेट की, और ग्रीसिंग करने के बाद ये जो मिक्सचर था हमारा, इसको पेस्ट कह सकते हैं आप, उस पेस्ट को इसके ऊपर प्रॉपरली फैला देंगे। अब इसको हम दूसरी प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। और इस पे इवन लिया पूरी प्लेट में फैला दीजिए। आधे से 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर की मोटाई का लेयर आप बना लीजिए और इसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप जैसा भी शेप चाहें इसमें दे सकते हैं, उस शेप की बर्फी काजू की बनके तैयार हो जाएगी। तो ये था पूरा प्रोसेस, इसको मैं ठंडा होने देता हूँ। और इस बीच में आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि मेरा रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मेरी नई रेसिपी, नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। और अभी मैं आगे बढ़ता हूँ तो आपको अंत में कंटेंट्स एक बार फिर से बता दूंगा। जब तक हमारी बर्फी जमेगी तब तक मैं वो इंग्रेडिएंट्स एक बार फिर बता देता हूँ। मैंने 250 ग्राम काजू लिया था, अच्छा साफ काजू, और 125 ग्राम चीनी ली थी, 100 to 150 ml मिल्क लिया था। अब मैंने चूंकि लिक्विड मिल्क लिया, आप चाहें तो पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी जगह, और चाशनी बना के प्रोसेस आपके सामने है ही, ये सारी चीज़ें लेके, और अंत में आपका इस शेप में आएगा। अब आप इसको जिस शेप में भी चाहें, वी शेप में, चौकोर में, गोल में काट सकते हैं। इसको काट लेता हूँ। कुल हमारा प्रोसेस 50 से 55 मिनट में पूरा हो जाता है, और जमने में आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ताकि अच्छे से जम जाए। तो कुल मान लीजिए कि 1 घंटे में आपकी काजू की कतली बनके तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी काजू की कतली बनके तैयार। अब आज मैं उसको इतनी अच्छी तरह काट नहीं पा रहा हूँ, मेरे हाथ में कुछ तकलीफ होने की वजह से, लेकिन आप अगर इसको बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी, और काटने में आप जैसा शेप देना चाहें वैसा दे सकते हैं। और एक काम आप और कर सकते हैं, इसको ठंडा होने के बाद अगर आप चाहें तो इसको प्रॉपरली गूंथ लीजिए आटे की तरह। जितनी देर गूंथेंगे तो थोड़ा सा इसमें स्मूथनेस और आ जाएगी, और आप और आसानी से इसको काट के अच्छा शेप दे पाएंगे। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक, उम्मीद है आप सभी इससे कुछ ना कुछ बनाना सीख चुके होंगे। मेरे चैनल के बारे में बताइएगा ज़रूर, और अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।